हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के कोफ्ते की सब्जी, जिसके लिए मैंने कुछ आलू लिए हैं। उनको छीलकर धोकर साफ करके रख लिया है। धुले हुए आलूओं को मैंने कद्दूकस करके घिस लिया है। घिसने के बाद आलू ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब इन घिसे हुए आलू में मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है, उसको ऐड कर देंगे, और 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग इसके अंदर डाल देंगे। डाल देने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। एक कढ़ाई में सरसों का तेल लेंगे और उसमें जो हमने कोफ्ते के लिए मसाला बनाकर तैयार किया है उसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। पकौड़ियाँ छोटी छोटी बनानी है क्योंकि वाटर में डालने के बाद ये फ्लफी हो जाएंगी और इनको अब डीप ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पकौड़ियों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकालेंगे। कोफ्ते की सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर और अदरक ली है, इनका पेस्ट बनाएंगे। एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेकर उसे गर्म करेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके अंदर मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक और हींग के मसाले डाल देंगे और मसाले को हम भूनेंगे। मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे। जब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम पकौड़ियाँ ऐड कर देंगे। पकौड़ियों को डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक हम कम गैस पर पकाएंगे और पकाने के बाद सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप पूड़ी, पराठे या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइए। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।